छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन करके नए नियम जोड़े गए हैं। अगर ये नियम महाअधिवेशन में पारित हो गए तो कांग्रेस सदस्यों को नशे से दूर रहना होगा। नशा करने वाले सदस्यों और पदाधिकारियों को पार्टी में नहीं रखा जाएगा। महाअधिवेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया है। जिस प्रकार से देश, दुनिया और समाज में बदलाव आया है, उसी प्रकार इस संविधान में भी संशोधन किया गया। इसमें नशा विरोध को भी शामिल किया गया है। संविधान में किए गए संशोधन के मुताबिक अब कांग्रेस के सदस्यों को ये बताना होगा कि वो शराब, ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, प्रोहिबिटेड ड्रग्स या अन्य किसी नशीले सब्सटेंस के उपयोग से दूर रहेंगे। खादी की महत्ता को लेकर पूछे गए सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि जब तक देश है तब तक खादी है। खादी की महत्ता कभी भी खत्म नहीं होगी। पहले एक संशोधन ये भी लाया जाने वाला था कि कांग्रेस सदस्यों को खादी पहनना होगा, लेकिन इसे लेकर सुरजेवाला ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि थर्ड जेंडर को आज विदेशों ही नहीं भारत में भी एक अलग वर्ग के रूप में माना गया है। उनकी हर जगह भागीदारी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे मान चुका है। इसलिए अब कांग्रेसी पार्टी ने अपने सदस्यता फॉर्म में महिला, पुरुष के साथ ही थर्ड जेंडर को भी भरे जाने का ऑप्शन दिया है। ऐसा किसी पार्टी के फॉर्म में नहीं है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि समय बदल रहा है। आज कई परिवार ऐसे हैं जहां केवल माँ अपने बच्चे को पालती है। ऐसे में कांग्रेस ने संशोधन किया है कि अब उनके फॉर्म में पिता की जगह माँ का भी नाम भरने का ऑप्शन होगा। ऐसे लोग चाहें तो पिता की जगह माँ का नाम भी भर सकते हैं। इसी तरह पत्नी का नाम का कॉलम भी है। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए CG स्वराज।